अच्छा ये आपको नज़र आ रहा है, ये तोरियाले जो लैंग्वेज है वो उसके सॉन्ग्स यहाँ पे गाए जा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है बहरान में ये जो लोकल लैंग्वेज है उसके सारे जो सॉन्ग्स है वो गा रहे हैं, और एक छोटा सा मौसीकी का प्रोग्राम इस वक्त हो रहा है। अच्छा कल जो आपने हमें मौसीकी रात को जो सुनाई थी उसके बारे में तो थोड़ा सा बता दे हमें। ये हमारा क्लासिकल मौसीकी थी जिसको हम रो कहते हैं, सितार में जो वही सेम हमने बजाया जो हमारे सिंगर ने गाया था। ये हम शादियों पे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी इस तरह का धुन बजाते हैं, और साथ तबला जो होता है ये हमारा रवायती वो क्या कहते हैं कि वो बहुत पुराना सिर्फ मौसीकी का भी और शेर व शायरी का भी। I get it.
अच्छा दोस्तों, हम ये बहरान में हैं और यहाँ पे ये जो तोरियाले लैंग्वेज है उसके हवाले से ये हम ये छोटा सा महफिल है मौसीकी का जो यहाँ पे लोकल इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। तो हम यहाँ के लोकल जो सॉन्ग्स है उनसे महसूस हो रहे हैं। ये बिल्कुल ये लोकल तोरियाले लैंग्वेज के सॉन्ग्स हैं और यहाँ पे हम इससे महसूस हो रहे हैं। और ये आपको नज़र आ रहे हैं कि हमारा जो हम जो चार लोग आए हैं, दाऊद और उमर भाई और समीउल्लाह, हम सब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है और उस डॉक्यूमेंट्री के लिए सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती तो ये सब हम इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी एंजॉय करें। दाऊद आपको कैसा लग रहा है? दाऊद कह रहा है कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ये बहुत अच्छी मौसीकी यहाँ पे वो लोग गा रहे हैं।